Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shodan. In previous video, we have discussed male reproductive system, its structure, detailed structure of the male reproductive system, and today we are going to study about the female reproductive system, the structure of female reproductive system, primary and secondary sexual organs. So first of all, if we are talking about the primary sexual organ, then it is ovary. फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी. अ पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन द फीमेल. दो ओवरी प्रेजेंट रहती हैं और जो ओवरी है इसका स्ट्रक्चर, इट्स आमंड शेप स्ट्रक्चर, और पेल्विक रीजन में ओवरी प्रेजेंट रहती हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें सो दे आर फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स एंड वेजाइना. ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड विल स्टार्ट विद द ओवरी. ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है. और ये जो ओवरी है यूट्रस के साथ अटैच रहती हैं विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स. और हम कह सकते हैं कि एक मेजेंट्री बनती है और उस मेसेंट्री पे क्या है कि कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो ओवरी को यूट्रस और पेल्विक रीजन से कनेक्ट करके रखते हैं. एंड दीज ओवेरियन लिगामेंट्स आर नोन एज मीजोवेरियम. क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम. मीजोवेरियम वो लिगामेंट्स हैं जो एक मेसेंट्री में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि पीछे ये पेल्विक रीजन से जुड़ी हुई है और साइड में ये यूट्रस के साथ अटैच है. ओवरी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ओवरी हो गया. ओवरी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुरू होगा दैट इज द फेलोपियन ट्यूब. और फेलोपियन ट्यूब मतलब ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहती हैं एंड दे आर नोन एज फिम्बरे. तो फिम्बरे क्या है बेटा? दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ओवरी जब फीमेल गैमेट और वी कैन से जब एग को रिलीज करती है तो जो फिम्बरे हैं वो थोड़े से पास आ जाते हैं ओवरी के और एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस ओवम को कैच कर लेते हैं. और वी कैन से द सेकेंडरी ऊसाइट, बिकॉज जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो जब मेल गैमेट्स रीच करेंगे तभी क्या है ओवम की फॉर्मेशन करेगा. सो इट हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ऊसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, फिर कैसे फीमेल गैमेट जो कंप्लीट बनता है, डेवलपमेंट होती है, मैच्योरेशन होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो एक लॉन्ग ट्यूब है दैट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. ओवरी, ओवरी के बाद फिम्बरेज और एक ट्यूब, एक डक्ट बनती है दैट इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फिम्बरी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम. क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम से ऊपर होता है एम्प्यूला एंड द लास्ट इज द इस्थमस. इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, और ये तीनों किसके पार्ट हैं? दे आर द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब. किसके पार्ट है बेटा? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब. तो इनफंडिबुलम क्या करता है? ये एग को कलेक्ट करने में हेल्प करता है. एम्प्यूला दैट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. और अगर प्रॉपर साइट बोले फर्टिलाइजेशन की तो वो है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन. एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन मतलब जब फीमेल गैमेट कहाँ रीच करेगा? एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे रीच करेगा और तभी अगर मेल गैमेट्स एंटर करते हैं, फ्यूजन होती है, तो ही फर्टिलाइजेशन होगी. अगर जो फीमेल गैमेट है, ओवम है, वो आगे की तरफ चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. नाउ दिस इज द नेक्स्ट कैविटी और द पार्ट दैट इज नोन एज यूट्रस. क्या है ये? यूट्रस. और ये यूट्रस का अपर पार्ट है दैट इज नोन एज द फंडस. यूट्रस का अपर पार्ट दैट इज नोन एज फंडस. यूट्रस और वी कैन कॉल इट यूटराइन कैविटी और उम्ब ऑफ द मदर. इसको यूटराइन कैविटी या उम्ब ऑफ द मदर भी हम कहते हैं. जो जायगोट बनेगा, यहाँ पे जायगोट बन जाएगा फ्यूजन के बाद, तो वो कहाँ आके अटैच होगा? यूटराइन वॉल्स पे अटैच होगा. तीन यूटराइन वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं, मतलब यूट्रस की थ्री लेयर्स होती हैं, थ्री वॉल्स होती हैं. द आउटर वन इज पेरीमेट्रियम,
आउटर क्या है, पेरीमेट्रियम जो फाइब्रस होती है और समहाउ एक लिटिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. फाइब्रस है, आउटर मेम्ब्रेन इज फाइब्रस एंड नोन एज द पेरीमेट्रियम. द मिडल मेम्ब्रेन इज नोन एज द मायोमेट्रियम और वी कैन से द मिडल वॉल ऑफ द यूट्रस इज मायोमेट्रियम एंड इट इज मस्कुलर इन नेचर. एंड द लास्ट वन दैट इज इंडोमेट्रियम, दैट इज इंडोमेट्रियम एंड इट इज हाईली वस्कुलराइज्ड, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं और इंडोमेट्रियम को फॉर्म करने वाले दो टिश्यूज रहते हैं, दैट इज स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस. ये दो टिश्यूज हैं, ये दो टिश्यूज की लेयर्स हैं जो इंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन करता है. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो यही इंडोमेट्रियम क्या है, शेड हो जाती है. क्यों? क्योंकि जब एवरी मंथ जो यूट्रस है अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी, बट आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब एक गर्ल एक फीमेल प्यूबर्टी एज में रीच कर जाती है उसके बाद जो इंडोमेट्रियम है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो सेल्स हैं वो शेड हो जाती हैं. आफ्टर द यूटराइन कैविटी और द यूट्रस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज सर्विक्स एंड आफ्टर सर्विक्स देयर इज वजाइना. सर्विक्स और वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है. सर्विक्स और वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं और यहाँ पर क्या है, दो स्पिंस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑरिट्रल स्पिंस्टर्स दैट इज ओएस, दो स्पिंस्टर्स रहते हैं. ठीक है, वजाइना की तरफ से देखें देन दिस इज द हाइमन, देन द वजाइनल ऑरिफिस, नेक्स्ट वजाइना, देन द सर्विक्स का एरिया स्टार्ट हो गया. ठीक है, और वजाइना के ऊपर प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नल ऑरिफिस और एक्सटर्नल स्पिंस्टर, चिमटी जैसा स्ट्रक्चर. ठीक है, एक्सटर्नल स्पिंस्टर, देन द इंटरनल ऑरिफिस और इंटरनल स्पिंस्टर. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या था, ओवरीज है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, देन द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जिसमें फेलोपियन ट्यूब है जिसके तीन पार्ट हैं, इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस, देन द यूट्रस, थ्री लेयर्स और थ्री वॉल्स ऑफ द यूट्रस जिसको कंबाइन करके हम यूटराइन वॉल्स कहते हैं, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड द इंडोमेट्रियम, सर्विक्स एंड वजाइना जिन्हें बर्थ कैनाल भी कहा जाता है. तो ये किसका स्ट्रक्चर है, कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवरी, ओवरी का स्ट्रक्चर और उसमें कैसे फॉलिकल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल जो कि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.